इलेक्शन कमिश्नर हाय हाय बीजेपी इलेक्शन कमीशन गठबंधन मुर्दाबाद जमहूरियत के हत्यारे मुर्दाबाद लोकतंत्र के हत्यारे मुर्दाबाद सेशन अमर रहे जल्द कराए जाए इसके विरोध को लेकर आज कार्यकर्ता समय इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जमहूरियत का डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है और कोई समय सुनने वाला नहीं। इसी के विरोध को लेकर ये लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज इलेक्शन कमीशन के समक्ष हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी अधिकारों से इसने वंचित किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर चलते हुए इलेक्शंस को जम्मू कश्मीर में टाला जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति कभी ठीक भी नहीं होगी, ये भी याद रखिएगा। पहले भी ऐसा हुआ, 2019 में फुल कमीशन यहां आया और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पूछा कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने 2019 में भी फुल कमीशन को यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, पार्लियामेंट के साथ उस वक्त उन्होंने कहा था। सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिसने कहा इलेक्शन नहीं होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे के ऊपर नाचते हुए उन्होंने 2019 में इलेक्शन नहीं करवाए। अब 5 सालों से असेंबली के चुनाव से जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम रखा हुआ है। 5 साल हो गए, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं। अब किसी भी आदमी को अपने घर के अंदर नहीं बैठना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, और इसीलिए हमने आज यहां शुरुआत की है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर से। और जिस तरीके से पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव को भी टाला जा रहा है, एक प्रोसेस शुरू किया गया, रिजर्वेशन रोस्टर निकाला गया, ऑब्जेक्शन मांगे गए, लेकिन बीच में ही उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक बयान दिया था कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की बात मानते हुए उनके इशारे के ऊपर नाचते हुए यहां के इलेक्शन बॉडीज ने उस चुनाव को टाल दिया है। आप तनख्वाह मैं पूछना चाहता हूं इन इलेक्शन के अधिकारियों से कि भारतीय जनता पार्टी से लेते हैं या सरकारी खजाने से लेते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की नौकरी करनी है तो भारतीय जनता पार्टी से तनख्वाह लीजिए, टैक्स पेयर मनी से आप तनख्वाह लेते हैं, पब्लिक एक्सचेकर से तनख्वाह लेते हैं, जो लोग टैक्स देते हैं उसमें से आप तनख्वाह लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर आप नाच रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरीके से ऑटोनोमस बॉडीज को आपने जो है कब्जे में करके रखा हुआ है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को पैरों तले रौंदा जा रहा है, कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जो पैंथर्स पार्टी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह कहा है, आप उठ खड़े होइए। पैंथर्स पार्टी ने दिल्ली में जाकर प्रदर्शन किए, प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाहर, हमने पार्लियामेंट के बाहर किए, हमने जंतर मंतर में किए, हमने बीजेपी के हेडक्वार्टर के बाहर किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार से लोग ऊब चुके हैं। आप बाहर से अपने चहेते ऑफिसर्स को लाकर उनके माध्यम से यहां निजाम को चलाना चाहते हैं। जो बिहार से अफसर लाए आपने, यूपी से अफसर लाए, जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी ही नहीं है, उनके हवाले आपने जम्मू कश्मीर को कर दिया और यहां से पैसा इकट्ठा होकर इन बाहर वाली स्टेटों में जा रहा है। आज तब आप कहते थे कि फलां पार्टी खा गई, फलां हुकूमत खा गई, अब कौन खा रहा है मुझे बताइए। यहां पैसा कोई नहीं लग रहा है, चुने हुए नुमाइंदे जिनका एक अकाउंटेबिलिटी होती है पब्लिक के प्रति, आप नहीं चाहते हैं कि चुने हुए नुमाइंदे आए, क्योंकि आपका कोई भी जीतने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करना होगा आने वाले वक्त में, यह तहैया कर लें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में बैठी हुई हैं। और जिस तरीके से लोगों के साथ एक बद्दा मजाक किया जा रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खिल्ली उड़ाई जा रही है, ऑटोनोमस बॉडी को अपने कब्जे में किया हुआ भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरीके से ये खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ, उसका सबक लोगों को सिखाना होगा। मैं तमाम जनता से भी अपील करना चाहता हूं, आइए उठ खड़े होइए, पैंथर्स पार्टी शाना बशाना आपके साथ खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी की इस गुंडागर्दी के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ, इस चोर चिकारी के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ नौजवानों से अपील करूंगा, किसानों से अपील करूंगा, मजदूरों से अपील करूंगा, आम जनता से, ट्रेडर से अपील करेंगे, आइए
आने वाले वक्त में इकट्ठा होकर इस भारतीय जनता पार्टी को हमें उखाड़ फेंकना होगा, जिसे कानून का कोई एहतराम नहीं है, जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है।